दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप का 28वां मैच खेला जा चुका है और दोस्तों ये मैच भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जहां इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं जब इसके बाद भारतीय टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि 11 रन के स्कोर पर ही ट्रेंट बोल्ट ने ईशान किशन को आउट कर दिया था और ईशान किशन 4 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते रहे थे। यहां दोस्तों इस मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर जमकर कहर बरपाया था, जहां इसके बाद 35 रन के स्कोर पर टीम सऊदी ने केएल राहुल को भी आउट कर दिया था और राहुल 18 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद 40 रन के स्कोर पर इस चोड़ी ने रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया था और रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं दोस्तों इसके बाद 48 रन के स्कोर पर विराट कोहली भी इस चोड़ी की गेंद पर बस 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद 70 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पांचवा झटका एडम मिले ने देते हुए ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड मार दिया था और पंत 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां दोस्तों 70 रन के स्कोर पर ही भारतीय टीम की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। और वहीं इसके बाद 94 रन के स्कोर पर ट्रेंट बोल्ट ने एक के बाद एक भारतीय टीम को दो बड़े झटके देते हुए हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर को आउट कर दिया था, जहां हार्दिक पांड्या 23 रन बनाकर आउट हुए थे तो वहीं शार्दुल ठाकुर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और वहीं दोस्तों इसके बाद 20 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने केवल 110 रन बनाए थे 7 विकेट खोकर। हालांकि आखिर में आकर रविंद्र जडेजा ने कुछ शानदार शॉट खेले और वो 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। जहां दोस्तों इस मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करी और इस मैच में ट्रेंट बोल्ट ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके तो वहीं ईश चोड़ी ने 2 विकेट लिए तो वहीं टीम सऊदी और एडम मिल को एक एक विकेट हाथ लगा था। और वहीं दोस्तों अब इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए 111 रन बनाने थे। और वहीं जब इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में रही थी, लेकिन दोस्तों 24 रन के स्कोर पर पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका जसप्रीत बुमराह ने देते हुए मार्टिन गुप्टिल को आउट कर दिया था और गुप्टिल 20 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद केन विलियमसन और डैन मिचेल ने मिलकर न्यूजीलैंड का स्कोर 7वें ओवर में ही 50 रन के पार पहुंचा दिया था और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे। और इसके बाद तो डैन मिचेल अपने 50 से मात्र 1 रन दूर थे, तभी जसप्रीत बुमराह ने उन्हें आउट कर दिया था और मिचेल 49 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को 6 ओवर में मात्र 3 रन चाहिए थे ये मैच जीतने के लिए। और वहीं इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम 15वें ओवर में ही ये मैच जीतने में कामयाब रही थी। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ये मैच 8 विकेट के बड़े अंतर से जीती है। यहां दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान केन विलियमसन 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे तो वहीं ड्वेन कैनवे भी 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। यहां दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से केवल जसप्रीत बुमराह को ही 2 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों भारतीय टीम अपना T20 वर्ल्ड कप में दूसरा मुकाबला भी हार चुकी है।